चलो फ्रेंड्स, आज एक शलगम की नए तरीके से रेसिपी बना लेते हैं। शायद आपने पहले ना बनाई हो, मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी। फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और हम अक्सर बनाते रहते हैं पंजाब में ऐसी रेसिपी। माय फूड रसोई से मैं फिर एक रेसिपी लाई हूँ, शायद इस टेस्ट में ना खाई हो, बिल्कुल न्यू अंदाज, न्यू टेस्ट, और सो टेस्टी ना। और बाजरे की रोटी के साथ तो इतनी टेस्टी लगती है। तो मैं ना इनको पहले छील लेते हैं ना। ये देखिए, शलगम इज वेरी पौष्टिक, बच्चों को इस रूप में दीजिए। ऐसे छील लेते हैं पहले सारे शलगम, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो, ये कट चुके हैं, अब इनको पानी से धो लेते हैं पहले। ये हमने धो लिया पानी से अच्छी तरह दो तीन बार। मैंने इनको रफली चॉप करना है, देखो ऐसे इतना। प्याज लहसुन का यूज नहीं होता इसमें। ये देखो, ये कट चुके हैं, अब हम क्या करते हैं। ये देखो, मैंने कुकर ले लिया और ये गए सारे कुकर में। अब ये देखो, इतना ढेला मैं गुड़ कर डालने लगी हूँ। आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमने इतना गुड़ डाल दिया, और ये मैंने डाल दिया एक कप पानी बस। ये बंद कर दिया हमने, और इसको गैस पे रखते हैं, स्लो पे ही कुकिंग करो। कम से कम 15-20 मिनट को खोने दो इसको कुकर में। जितनी देर हमारा साग कुक हो रहा है ना, उतनी देर हम ये बारीक बारीक काट लेते हैं अदरक। ये देखो, जो अदरक हमने छील के रखा था, इसको लंबा लंबा नहीं करना, इस तरह माइन्यूट करना है। इसमें थोड़ा अदरक ज़्यादा चाहिए होता है, 3-4 इंच लिया है मैंने। ये देखो, ये हमारा अदरक कट के रेडी हो गया। ये देखो, टमाटर भी रेडी कर लेते हैं, 3 टमाटर इसमें काट लो, और 3-4 मिर्ची भी इसी में डालो। कभी साबुत मत डालो, टमाटर में कोई कीड़ा हो सकता है, हमेशा काट के यूज करो। ये हो गया ना, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर ग्राइंड हो गए ना। अब ऐसे करते हैं, कढ़ाई में इसको भून के भी रख लेते हैं, जितनी देर वो स्टीम हो रहे हैं, ये हमारा काम साथ साथ हो जाएगा और हमारी कुकिंग वेरी फास्ट हो जाएगी। कढ़ाई मैंने रख दी ऊपर, 2 चम्मच देसी घी हो गया, नीचे से गैस ऑन कीजिए। ये घी गर्म हो गया, ये हमने डाल दिया अदरक के जो काटे थे। इसको अब लाइट ब्राउन कर लेते हैं, गैस लो पे है, ये जलना नहीं चाहिए। ये देखो हो गया ना, अब इस स्टेज पे डाल दो टमाटर की प्यूरी जल्दी से, और अब इसको थोड़ी देर कुक होने दो। अभी इसमें हल्दी नहीं डलती, ये 1 टीस्पून नमक डाल दिया, ये हल्की सी लाल मिर्च डालो, 1/4 टेबल स्पून सौंफ है, इसको डाल दो और इसको कुक होने दो। और इधर देखो, 15-20 मिनट हो गए हमें। ये देखिए, अभी हमने गैस बंद कर दिए, हम खोलने लगे हैं। ये देखो, वाह देखो, इसका ये कलर आया है गुड़ की वजह से। इसको घोट लेते हैं, इसको घोटिए, अगर ये नहीं है तो आप पोटैटो मैटर ले सकते हैं। ये देखो, अच्छी तरह घोटना है अभी इसको, एकदम फाइन कर लो इसको। कितना बढ़िया मिक्स हो गया ना, ये देखो काफ़ी हद तक पानी सूख गया है। अभी बिल्कुल पानी ड्राई करना है इसका, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। इसमें 1 चुटकी भर हींग डाल दो स्टेज पे। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह भूनिए, पूरा सूखने दीजिए पानी को। और ये देखो, पूरा ड्राई हो गया ना। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये, इसमें डाल दीजिए जो हमारे शलगम हमने ग्राइंड कर लिया, और इसी स्टेज पे कटा हुआ धनिया डालिए, और इसको थोड़ी देर होने दीजिए, ढक्कन दे दो इसको, और थोड़ी देर पकने दो। और ये देखिए, शलगम का साग इज रेडी, और इसको बस ढीला ढीला रखो, और चावल के साथ भी खा सकते हो। इसको ना प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए, हल्का सा घी डालो, ये डाल रहे हम थोड़ी सी खड़ी वाली लाल मिर्ची, और थोड़ा सी दूसरी वाली लाल मिर्ची ये डाल दो, और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, बस गैस बंद कर दो। और ये जो थोड़ा सा हल्का, इसमें जीरा वगैरह नहीं डलता, बस इसी तरह लगाया जाता है। ये हमारा शलगम का साग इज रेडी, और ये पंजाब में खाते हैं लोग, बाजरे की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ, बहुत टेस्टी बनता है। इसको चख के भी देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है, वेरी टेस्टी, और जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, बहुत टेस्टी। ये देखो, थोड़ा सा अमचूर डाल सकते हैं आप, और बस। और कमेंट करके बताओ आप कैसे बनाते हो शलगम को। और ये देखिए, आप इसको चावल के साथ सर्व कीजिए, बाजरे की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ,
और इसका मोज लीजिए, क्योंकि इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है ना, वेरी वेरी यम्मी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप शलगम की सब्जी भी खा रहे हो इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, और आप भी ज़रूर बनाइएगा और इस तरह खाइएगा। इट्स वेरी वेरी यम्मी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। और आप बताओ, आप शलगम कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, और अगर आपको कोई न्यू रेसिपी चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन।